तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग चैनल देख रहे हो, ठीक है। ये आपके सामने चैनल दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें इनके कितने सब्सक्राइबर, 3,957 यानी कि 4,000 सब्सक्राइबर होने वाले। और ये करती क्या है, सिर्फ और सिर्फ दूसरों का कंटेंट यूज करती है, यानी कि दूसरों का वीडियो अपलोड करती है और दूसरे को वीडियो को अपलोड करके इन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज कर लिया है। अभी इनके चैनल को मुश्किल से 20 से 25 दिन हुए, 20 से 25 दिनों में इन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज कर लिया है। तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि दूसरों का वीडियो कैसे यूज करे, कैसे यूज करे, तो इन्होंने दूसरे के वीडियो का इस्तेमाल करके अपने चैनल को भी हाल ही मोनेटाइज किया। मुश्किल से 20 दिन हुए इनके चैनल को मोनेटाइज हुए। और यहाँ पर देखिए इनकी अर्निंग स्टार्ट हुआ, यहाँ पर देखिए आप लोग एस्टिमेटेड रेवेन्यू में यहाँ पर इनके $21 बन चुके हैं, यानी कि अभी 20 दिन में इन्होंने $21 की अर्निंग कर ली है। तो यहाँ पर इनका चैनल है, आप लोग सबसे पहले लाइव प्रूफ देख ही रहे हैं। यहाँ पर इनका चैनल देखिए, चैनल का नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर सब्सक्राइबर देखिए 3,957 यानी कि 4,000 सब्सक्राइबर होने वाले। और यहाँ पर आप लोग नीचे देखिए सारी इनकी वीडियो दिख रही होगी। और यहाँ पर मैं आपको मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए मोनेटाइजेशन के सेक्शन में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हेलो चैनल का नाम है, उसके बाद आप लोग देखिए यू आर यूट्यूब पार्टनर, यानी कि ये यूट्यूब पार्टनर के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुकी, इनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है। और अभी मुश्किल से इनके चैनल को 20 दिन हुए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको मेल भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए YouTube का मेल भी आया हुआ इनको। नीचे देखिए आप लोग, सबसे पहले YouTube की तरफ से मेल आया हुआ है, लिखा है कांग्रेचुलेशन योर YouTube चैनल, जो चैनल का नाम है वो लिखा, उसके बाद हैज बीन एक्सेप्टेड इनटू द YouTube पार्टनर प्रोग्राम एंड इज नाउ एबल टू मोनेटाइज ऑन YouTube, यानी कि इस जब आप लोग का चैनल मोनेटाइज होता है तब YouTube की तरफ से ऐसा मेल आता है। यहाँ पर आप लोग डेट देख लीजिए, 2 दिसंबर, यानी कि अभी चल क्या रहा है, आज है 26 दिसंबर है, ठीक। और यहाँ इनका 2 दिसंबर को चैनल मोनेटाइज हो चुका है, यानी कि अभी मुश्किल से 20-25 दिन हुए। और 20-25 दिन में इनके चैनल पर कितनी अर्निंग हो चुकी है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, मैंने आपको दिखाई दिया पूरी। यहाँ पर देखिए $21 की अर्निंग हुई है, यानी कि रोज इनके $1 बन रहा है। और ये जो कंटेंट है, दूसरों का कंटेंट यूज करती है। बहुत से लोग कहते हैं कि दूसरों का कंटेंट यूज करेंगे तो मेरे चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा या कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, तो इनके चैनल पर ना तो कोई कॉपीराइट क्लेम आया ना ही कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आया। और इनका चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाई दिया 20 दिनों के अंदर इनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है और यहाँ पर इनकी अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरीके का चैनल है, मैंने आपको लाइव प्रूफ सबसे पहले दिखाई दिया। तो अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आप लोग भी दूसरों के कंटेंट को कैसे यूज कर सकते हो, दूसरों के वीडियो को कैसे यूज करके अपने चैनल को मोनेटाइज करा सकते हो, सही तरीके से बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग सही तरीका जानते नहीं। दूसरों का वीडियो यूज करते हैं तो उनके चैनल पर आ जाती है कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, फिर उनका चैनल या तो डिलीट हो जाता है या तो उनको रेवेन्यू नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको सही तरीके से बताऊंगा कि आप लोग दूसरों के वीडियो का कैसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको चैनल दिखा दिया, ठीक है। दूसरों का वीडियो कैसे यूज करना, उस टाइप का मैं आपको एक नया चैनल बताने वाला हूँ। अगर आप लोग ने अभी तक जो भी चैनल बना रखा हो, जिस भी कैटेगरी पर काम किया हो, तो आपको उसमें कोई चीज तो दिख नहीं रही होगी, ना आप लोग का चैनल ग्रो हो रहा होगा, ना तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे होंगे, ना ही आपकी वीडियो पर व्यूज आ रहे होंगे। तो आपको करना क्या है, आपको एक नया चैनल क्रिएट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आप लोग चैनल क्रिएट करना नहीं जानते हो तो मैंने इस पर वीडियो बनाई, आप लोग जाके मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक नई जीमेल आईडी से नया चैनल क्रिएट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोग को एक कैटेगरी डिसाइड कर लेनी, जो भी कैटेगरी आप लोग चाहते हो उसको डिसाइड कर लेना। और अगर मैं आपको बताऊं आज की कैटेगरी, तो मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे आप लोग देखते हो कि बहुत सारे पुराने सीरियल होते हैं जो क्या कहते हैं धारावाहिक होते हैं, जैसे कि एक रामायण आपने वो मूवी सुनी होगी, ठीक है, रामायण बहुत पहले आता था, तो उस पर उस कैटेगरी पर मैं आज आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा और कैसे दूसरों को वीडियो को यूज करना है, कैसे दूसरों को वीडियो को इस्तेमाल करना, सारी चीज बताऊंगा कि आपको वीडियो कैसे लेनी, उसको कैसे एडिट करना है, कैसे अपलोड करना, सारी चीजें बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको सबसे पहले एक चैनल क्रिएट करना कर लेना, उसके बाद आप लोग को एक कैटेगरी डिसाइड कर लेनी, और अगर नहीं पता है तो आप लोग इस कैटेगरी पे काम कर सकते हो। यहां पर मैं आपको जो चैनल बताने वाला हूं, जो कैटेगरी बता रहा हूं, इस पर आप लोग काम करके देखिए, इस पर देखना बहुत जल्दी आपका चैनल भी ग्रो हो जाएगा, बहुत जल्दी आपके व्यूज भी आने लगेंगे और आप लोग का चैनल भी मोनेटाइज होगा, मोनेटाइज होने के बाद आप लोग भी यूट्यूब से पैसा कमाने लगोगे, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूं YouTube वाले एप्लीकेशन में, वहां पर मैं आपको लाइव प्रूफ सबसे पहले चैनल दिखा देता हूँ कि किस तरह का चैनल है और कैसे ये वीडियो बनाते हैं और अपने YouTube चैनल से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो और आप लोग भी कमा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको देखिए YouTube वाले एप्लीकेशन पे आ गया, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले चैनल दिखा देता हूँ कि आप लोग कैसे कंटेंट बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने एक चैनल को सर्च कर रखा है, यहाँ पर ये चैनल है तिलक, आप लोग जानते हो सब, आपके सामने चैनल आ गया होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइबर देखिए 1.93 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर है और ये कंटेंट देखिए किस टाइप का बनाते हैं। मैं आप लोग को यही कंटेंट बताऊंगा कि आप लोग इस टाइप का कंटेंट कैसे बना सकते हो, अगर आप लोग को नहीं पता तो इस कैटेगरी पे काम करके देखिए। यहां पर देखिए आप लोग देख रहे होंगे, देखिए रामायण का सीरियल बहुत पहले आता था, आप लोग जानते ही होंगे। तो इस तरह की जो वीडियो है अपलोड करते हैं अपने चैनल पर, वो वीडियो पर व्यूज देखिए 1 साल के अंदर 10 करोड़, 9 महीने के अंदर 2 करोड़, 2 करोड़, और एक साल के अंदर देखिए 6.5 करोड़। तो इस तरह से इनके व्यूज आ रहे हैं और ये सब पुरानी वीडियो है और ये सब दूसरे कंटेंट की वीडियो, यानी कि दूसरे चैनल की वीडियो है, तो दूसरे चैनल की वीडियो यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो इस तरह का आप लोग चैनल बना सकते हो, यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों चैनल बना सकते हैं। आप लोग जानते हैं जो इन टाइप के स्टेटस होते हैं कितनी जल्दी देखे जाते हैं, अगर आप लोग ऐसा चैनल बनाओगे, ऐसी वीडियो बनाओगे, तो आपकी वीडियो को लोग स्टेटस में भी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ रामायण स्टेटस, ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने सर्च किया रामायण स्टेटस, ठीक है, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ रामायण स्टेटस, ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया, देखिए इस तरह से स्टेटस,
जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया रमानी स्टेटस, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने बहुत सारे देखिए ऐसे स्टेटस खुल जाएंगे, देखिए। तो इस तरह के लोग व्हाट्सएप में स्टेटस ज्यादा लगाते हैं, आप लोग को पता ही है। तो आप लोग शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप की वीडियो यहाँ से बना सकते हो, अगर शॉर्ट चाहते हो तो शॉर्ट ही बना सकते हो, लॉन्ग चाहते हो लॉन्ग बना सकते हो, वो आप लोग के ऊपर है आप लोग को कैसा चैनल बनाना, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लॉन्ग शॉर्ट दोनों बना सकते हो। यहाँ पर देखिए इस टाइप से आप लोग को स्टेटस भी बनाना हो तो स्टेटस बना के आप लोग अच्छे खासे व्यूज ले सकते हो स्टेटस पे, जानते हो। शॉर्ट चैनल भी मोनेटाइज होना चालू हो जाएंगे 2023 से, तो शॉर्ट अगर बनाना चाहते हो शॉर्ट से भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो इस टाइप की देखिए वीडियो कितनी ज्यादा चलती है, देखिए एक महीने में 2.1 लाख व्यूज आ चुके हैं, देखिए 2 साल में 51 लाख, 1 साल में 1 करोड़, यहाँ पर करोड़ों व्यूज है, बिलियन व्यूज है। तो आप लोग को ऐसी वीडियो इस्तेमाल कैसे करनी ताकि आप लोग के चैनल पर ना ही कोई कॉपीराइट क्लेम है ना ही कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको एक दो वीडियो दिखा देता हूँ कैसी वीडियो, मैं वीडियो प्ले करता हूँ, देखिए किस टाइप की वीडियो आपके सामने। सबसे पहले मैं वीडियो प्ले कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ये वीडियो प्ले किया तो यहाँ पर देखिए, तो बस आप लोग को ऐसे वीडियो उठानी है, ठीक है। अब आपको कैसे क्लिप उठानी है जिससे आप लोग कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक से बच सको, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहले तो आपको फोटो लेनी, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है गूगल में। गूगल में जाने के बाद यहाँ पर आपको जिस भी कैरेक्टर की फोटो चाहिए सबसे पहले उसको डाउनलोड कर लेनी, ठीक है। जैसे मुझे सीता की चाहिए, सीता माता की या राम की जिसकी भी चाहिए आपको डाउनलोड कर लेनी, जैसे मुझे यहाँ सीता माता की लेनी, ठीक है। तो आपको सिंपली से गूगल में सीता की ऐसे सर्च कर लेनी तो आपके सामने ढेर सारी देखिए इमेज आ जाएंगी। तो आप लोग यहाँ से कोई भी इमेज एक डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आपके सामने देखिए ढेर सारी इमेज आ चुकी, जैसे मुझे ये वाली इमेज लेनी तो मैंने यहाँ से इमेज लेके यहां से मैं यहां से इसको डाउनलोड कर लेता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या, तो इसका सबसे पहले तो बैकग्राउंड हटा देना क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा देखने में वो लग रहा। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड हटाने के लिए आपको करना क्या, यहां पर डालना है रिमूव बीजी, पहले आपको पिक डाउनलोड कर लेना, उसके बाद एक साइट है रिमूव बीजी, आपको इस पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद आपको अपने जो फोटो है डाउनलोड किया इसका आपको बैकग्राउंड हटा देना, वो बैकग्राउंड कैसे हटेगा, यहां पर ये वाली साइट आपको सर्च कर लेना रिमूव बीजी, जैसे आप करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ आ जाएगा। यहां पर आप जाना अपलोड इमेज, अपलोड इमेज में जैसे जाओगे तो आपके सामने गैलरी का ऑप्शन आ जाएगा, यहां से आप लोग अपनी फोटो को सबसे पहले यहां पर अपलोड कर दीजिए, जो भी फोटो अभी आपने डाउनलोड करी उसको यहां पर आपको ले आना है, ठीक है। जैसे मेरी फोटो कहां गई, यहां पर मैंने डाउनलोड करी अभी फोटो, ठीक है। यहां पर आपको अपनी फोटो को ले आना है, ठीक है। ये वाली फोटो जैसे मैंने डाउनलोड करी थी यहां पर मैंने फोटो को डाल दिया, अब ऑटोमेटिक जो फोटो का बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाए। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, तो अब इसको यहां से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहां पर मेरी फोटो डाउनलोड हो गई है, अब यहां पर आपको इनकी आवाज चाहिए, आवाज कैसे लेना है आपको, तो आपको करना क्या है, गूगल में जैसे जो भी वीडियो का आपको जो भी पार्ट का आवाज चाहिए, जैसे सीता माता है तो सीता माता की आपको आवाज चाहिए होगी, तो यूट्यूब पर आप लोग ऐसे रामायण स्टेटस सर्च करके आपको बहुत सारी यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। जहां पर सीता माता हो आपको वो पार्ट ले लेना, जैसे मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं ये वाला जैसे इसमें सीता माता ने जैसे कुछ बोला हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको देखिए पहले सुना देता हूँ, तो इस तरह देखिए मैंने यहाँ पर वीडियो प्ले की, एड चल रही है। अब एड को पहले सबसे पहले हटा देते हैं क्योंकि एड जानते ही यहाँ पर इस तरह से लोग पैसा कमा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर इनकी वॉइस है, तो इस वॉइस को आपको करना क्या है, या तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए कहीं से, या तो आप लोग इसका क्या कहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके आपको इसको पूरा रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद आपको कैसे एडिट करना है पूरी क्लिप को, सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ काइन मास्टर। यहाँ पर देखिए हम लोग काइन मास्टर में आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको काइन मास्टर डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आपको परचेस करना पड़ेगा। तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिएगा विदाउट वाटर मार्क काइन मास्टर, तो आप लोग को बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, वहां से आप लोग बहुत सारी साइट मिल जाएगी, कहीं से आप लोग काइन मास्टर डाउनलोड कर लीजिए। काइन मास्टर डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन कर लेना, तो ओपन करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इमेज एसेस दिख रहा होगा, आपको इमेज एसेस में डाके आपको एक बैकग्राउंड ले लेना, जैसे यहाँ पर देखिए मैं ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ, इस तरीके से आपको बैकग्राउंड ले लेना है। बैकग्राउंड लेने के बाद आपके सामने बैकग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको जितना लंबा बनाना है उतना लंबा आपको पहले खींच के कर लेना, जैसे मुझे जितनी मिनट की बनानी है, लॉन्ग बनानी है कि शॉर्ट बनानी है, उस हिसाब से आप लोग कर लीजिए। जैसे मुझे यहाँ पर शॉर्ट बनानी, तो मैंने यहाँ पर जैसे इसको कितना 35-40 सेकंड का ले लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने 40 सेकंड की वीडियो यहाँ पर बैकग्राउंड ले लिया 40 सेकंड का। अब उसके बाद आपको करना क्या है, अभी जो आपने इमेज को जो डाउनलोड किया है उसको यहाँ पर ले आना है, जो आपने भी रिमूव बीजी से जो आपने इमेज को डाउनलोड किया उसको यहाँ पर ले आना। जैसे मेरी इमेज कहाँ गई, ठीक है, यहाँ पर मैंने देखिए ये वाली इमेज को, इस वाली इमेज को यहाँ पर आपको ऐसे ले आना है क्लिक करके, ठीक है। मेरी इमेज यहाँ पर आ जाएगी थोड़ी देर में, ये देखिए इसका मैंने बैकग्राउंड ऑलरेडी आपको हटाना बता दिया। तो इस इमेज को आपको ऐसे यहाँ पर इस तरह से स्क्रोल करके आपको यहाँ पर ऐसे रख देना, ठीक, पूरी इमेज को आपको बड़ा करके जितना बड़ा करना हो, जैसे इतना बड़ा करके इस हिसाब से आपको इमेज को एडजस्ट करके यहाँ पर ऐसे लगा देना। ये देखिए इस तरह मेरी इमेज यहाँ पर लग चुकी है, ठीक है। तो देख रहे हैं, अब इसको भी आपको खींच के बैकग्राउंड जितना है उसके बराबर आपको इसको खींच के ऐसे कर लेना, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ से ऐसे खींच के कर लिया मैंने, तो यहाँ पर देखिए मेरे फोटो भी लग चुकी है। अब यहाँ पर आपको वॉइस डालनी, जो मैंने अभी आपको बताई वॉइस कैसे डालनी, तो उसके लिए मैंने आपको क्या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद या तो आप लोग वीडियो डाउनलोड कर सकते, नहीं तो आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके यहाँ पर आपको करना क्या, लेयर वाले ऑप्शन पर जाके मीडिया में जाके आप लोग उसको यहाँ पर ले आइए, ठीक है। जो भी आपने वीडियो भी डाउनलोड करा उसको यहाँ पर ले आई, जैसे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखा है, तो यहाँ पर मैं देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ले आता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखा है,
कहाँ है मेरी वीडियो, ठीक है यहीं पर कहीं है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी बना रखा ये वाली, देखिए ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अब मैं आपको सबसे पहले प्ले करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये वीडियो है, अब ये वीडियो यहाँ पर आ जाएगी, ये देखिए वीडियो आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको प्ले करता हूँ क्योंकि ये वीडियो ज्यादा है, ठीक है पहले मैं प्ले करता हूँ, आप लोग थोड़ा देखिए। तो देखिए ये पहले ऐड चल रही, तो पहले मुझे इसको इतना पार्ट हटाना है, ठीक है। तो हटाने के लिए मुझे करना क्या है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा के इसको यहाँ से जैसे मुझे लेना है, ठीक है। तो इसको क्लिक करके सिंपली से ट्रिम मुझे लेफ्ट कर देना, लेफ्ट करने के बाद ये पार्ट कट गया। अब इसको पूरा खिसका के इसको पीछे ले आना, ठीक है, जहां से मेरी वीडियो स्टार्ट हुई तो वहां तक इसको खिसका के ले आना, इस तरह से यहाँ जैसे खिसका के यहाँ तक ले आया, ठीक है। अब करना क्या, ये तो वीडियो है, अब इसको आपको ऑडियो बनाना है। तो ऑडियो करने के लिए आपको करना क्या है, इस पर एक बार क्लिक करके यहाँ नीचे आप सबसे नीचे आओगे तो यहाँ देखिए लिखा एक्सट्रैक्ट ऑडियो, तो आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक कर देना, तो इसकी जो जितनी भी ऑडियो है नीचे ऑडियो आ चुकी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एक्सट्रैक्ट ऑडियो करके इसकी ऑडियो ले आएंगे, फिर आप ये वाली वीडियो को यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट करने के बाद आपकी ऑडियो आ चुकी है। अब यहाँ से देखिए मेरी वीडियो बन के तैयार हो चुकी है, अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ मेरी वीडियो बनी कैसे, तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखिए इस तरह से आप लोग भी ऐसी वीडियो बना सकते हो, ऐसी वीडियो बनाना कितना आसान है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि आपको फोटो कैसे लेनी है, ठीक है, आपको वॉइस इसमें कैसे डालना है, सारी चीजें मैंने बता दी। तो इस तरह से आप लोग भी वीडियो बना के आप लोग भी यूट्यूब पर डाल सकते हो, और इस वीडियो पर आपको ना तो कोई कॉपीराइट क्लेम आएगा ना ही कोई कॉपीराइट हिस्सा आएगा, क्योंकि ये धार्मिक वाली चीजें आपको पता ही, और इनकी और ऐसी चीजों को आप जितना प्रमोट करोगे उतना अच्छा है, कोई भी आपको रोकेगा नहीं ना कोई आपको मना करेगा। तो इस टाइप की वीडियो बना के आप लोग चैनल स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे चैनल पर आप लोग को ग्रोथ 100% मिलेगी और आपका चैनल बहुत ही कम टाइम पर मोनेटाइज भी हो जाएगा और आप लोग अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग मैंने आपको चैनल भी दिखा दिया, वो ऐसा ही चैनल है, दूसरों वीडियो कॉपी पेस्ट करके अपने चैनल पर डालते हैं और अपने चैनल को उन्होंने मात्र 20 दिनों में मोनेटाइज कर लिया और अब देखिए उनकी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई, कुछ ही टाइम बाद वो फर्स्ट पेमेंट भी लेने वाली। तो इस तरीके का आप लोग भी चैनल बना के यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के बाद लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे नई वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए फिर आपसे मिलते किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।